हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी इलेक्ट्रिक सर्विस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया एक इलेक्ट्रिक मोटर का छोटा सा वीडियो, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि उसको रिवाइंड कैसे करते हैं। अगर आप आपका मोटर रिवाइंड करना चाहते हो, वो वाटर डैमेज रहे या फिर जला हुआ रहे, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट वाटर डैमेज है। मोटर पानी अंदर जा के रुकने की वजह से पूरा जंग खा गया है और वाइंडिंग भी शॉर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि बीच बीच में ये नीडल्स ब्लैक हो चुके हैं वायर के, तो ये इंसुलेशन भी इसका क्रैक हो चुका है। तो तीनों भी फेज अभी वाइंडिंग के शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो अभी इसको लेथ मशीन से ग्राइंड करके ही इसका आउटिंग निकालना पड़ेगा, जो वाइंडिंग आउट चल रहा है, क्योंकि अभी फूक गया है मेटल का पीसेस जो है फूक गए हैं, तो उसको कट करना पड़ेगा। देख सकते हो कि फ्रेंड्स, पहले के मुकाबले मैक्सिमम रस्ट जो मैग्नेट के ऊपर पकड़ा हुआ था तो वो सब निकल गया है। ये मोटर बहुत दिन पानी के अंदर रहने की वजह से ये मैग्नेट की ये हालत है, लेकिन इसमें मैग्नेटिज्म अभी भी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं इनको और भी क्लीन करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, ये ईजी प्रोसेस नहीं है जो ब्रश और पानी से निकाल के खींच दिया। ये सब ब्रश निकालने के लिए दो दिन इसको एसिड में रखने के बाद में अल्ट्रासोनिक क्लीनर में डाल के पूरा मिट्टी निकला था। ऊपर का सब पानी क्लीन और डस्ट भी मैक्सिमम लेवल पे क्लीन हो चुका है। तो देखते हैं ये अभी वाइंडिंग शॉर्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये मैंने मोटर कर दिया है ऑन और ये लगाऊंगा ग्राउंड पे जो इसका बॉडी का है। पहले चेक करते हैं कॉमन वायर। कॉमन वायर चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी ये कंप्लीट शॉर्टिंग है। इसमें से एक छोटी सी बीप सुनाई दे रही है मुझे, जो आपको नहीं दिखाई सुनाई देगी तो छोटे लेवल पे। अभी फेज वायर चेक करते हैं, देख सकते हो कि आप जैसे ही मैं लगाता वो टाइम पे रेजिस्टेंस आता है और वापस से शॉर्ट का आवाज़ इसमें से आ रही है। और ये ग्रीन के साथ भी वही हो रहा है और येलो के साथ में भी यही हो रहा है। तो एक बार एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अच्छा वाला मोटर, ओ शिट, हाई वोल्टेज होने की वजह से 500 वाट का झटका कर दिया बंद, क्योंकि ऐसी बात हो गई थी कि नेगेटिव बॉडी पे था, पॉजिटिव मेरे हाथ में लगा था और मैंने गलती से पॉजिटिव के साथ में स्टेटर को छू लिया तो मुझे झटका लग गया। अभी जो हुआ सो हुआ। ये मीटर हुआ ऑन, ये नॉर्मल मोटर है साइकिल का। अभी ये ब्लू के साथ में रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई भी चालाकी नहीं दिखाई जा रही, जो भी रियल है वही दिखा रहा हूँ। ये ब्लू के साथ में रेजिस्टेंस, ये अभी मेगा ओम से ज़्यादा हो गया है, सेम रीडिंग मेगा ओम से ज़्यादा हो गई क्योंकि अभी इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब टेस्ट करता हूँ तो उतने टाइम के लिए ये हो जाता है। अभी इसके कैपेसिटर चार्ज है, इसके लिए अपने को ऐसे दिखा रहा है, जैसे मैं शॉर्ट करता हूँ ये हो गया ब्लू के साथ हाई रेजिस्टेंस, येलो के साथ हाई रेजिस्टेंस और ये ग्रीन के साथ भी हाई रेजिस्टेंस। सो ये वाइंडिंग कहाँ पर भी शॉर्ट नहीं है। आप देख सकते हो कि मैंने नया मोटर को आपको चेक करके बताया है वाइंडिंग कैसे चेक होती है इसमें। अभी इसका अगला प्रोसेस है कि अभी ये वाइंडिंग तो ख़राब है तो मैं इसके करूँगा रीवाइंडिंग। तो रीवाइंडिंग के भी छोटे से शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो में देखने के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे। आप देख सकते हो कि येलो कलर का जो फेज़ वायर है वो पूरी तरीके से वाइंडिंग निकल चुका है और मैंने मार्किंग भी कर दी है कौन से येलो कलर के फेज़ के स्लॉटिंग है। तो अभी एक एक करके मैं ऐसे ही निकालूंगा सारे स्लॉटिंग और इनको वाइंडिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्टेटर में पेपर भर दिया है वाइंडिंग के लिए और ये 8 पेयर वायर में ले रहा हूँ वाइंड करने के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ कि एक एक करके कैसे कॉइलिंग करना है। प्रॉपर डेटा पूरा मिल नहीं पाएगा लेकिन जितना हो सके शो करूँगा। Thank you.
इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं इसके जो हॉल सेंसर के कनेक्शन बाकी है वो करने के बाद में इसको जोड़ूंगा टेम्पररी और टेस्ट करूंगा ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम इसका सर्विसिंग करेंगे बेयरिंग्स का, और जो भी कैप थोड़ा सड़ गया है पानी की वजह से उसको क्लीन करके वापस मोटर को लगा के फाइनल फिटिंग कर देंगे पाइप की। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो आप देख सकते हो कि मोटर रेडी है टेस्ट करने के लिए। मैंने मोटर के कनेक्शन सारे कर दिए हैं। आप देख पाओगे कि कंट्रोलर में फेस वायर और हॉल सेंसर के वायर लगे हुए हैं कलर टू कलर कॉम्बिनेशन में। ये की इग्निशन स्विच भी मैंने जोड़ दिया है इसमें। एक एक्सटर्नल थ्रोटल लगाया है और ये है बैटरी कनेक्शन। ये 48 वोल्ट का टेस्टिंग बैटरी है। तो मैं अभी आपको मोटर रन करके दिखाता हूँ। मैं फुल स्पीड में नहीं रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मोटर अकेले को संभालने को होगा नहीं और स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो मैं जस्ट थ्रोटल करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मोटर चालू है करके। तो चलिए देखते हैं। थ्रोटल में नीचे ही पकड़ रहा हूँ ताकि दोनों हाथों से पकड़ने के लिए हो जाए। ये अभी मैं थ्रोटलिंग दे रहा हूँ। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा थ्रोटल देते ही बहुत ज़्यादा स्पीड मिल रही है। तो मैं इससे ज़्यादा थ्रोटलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत मैक्स स्पीड मिल जाएगा इसको। इसका तो इसको पावर बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो मोटर भी उस तरीके से ही वर्क कर रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका और हीटिंग का भी कोई टेंशन नहीं है, जो अभी मुझे लगा था कि हीट होगा, लेकिन मैं मोटर बहुत बार टेस्ट कर चुका हूँ, मोटर कहीं किसी भी टाइप से हीट नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका भी जला हुआ मोटर रहेगा या फिर वाटर डैमेज मोटर रहेगा वो आप बनाना चाहते हो या फिर रिपेयर करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।